मतलब 50 पाउंड है, 6,000 हो जाना। चलो बैठ। सलाम अलैकुम बेटा, तेरा की नाम? अस्सलाम भाई। कितने भाई हो? चार। किधर है भाई तेरे? नहीं, चार बहन भाई हैं। चार टोटल है। तुम कौन हो? इधर आओ। ये बच्चे किसके हैं ये सारे? ये रिश्तेदार। तुम है? तुम किधर रहते हो? घर इनका इधर है। अच्छा, तुम किधर रहते हो? ये किन के बच्चे हैं? ये अच्छा, तो आपको बताओ यार, अबू क्या करता है? क्या सब्जी खरीदता? दाना मंडी जाता है, पल्लेदारी करता है, बोरी बोरी। अच्छा, बोरी उठाता है। तो एक दिन में कितने कोई आमदनी घर में, पैसे कितने लाता है? 500 या 6 एक दिहाड़ी? नहीं, 300 या 400 ले आता है। हर डेली मिलता है? डेली नहीं, कभी 100 ले आता है। अच्छा, तो फिर क्या घर में क्या पकता? क्या घर में सब्जी? गोश्त का दुकाना से पकाते हो? सुबह खाए। कहाँ से? एक जना बोले। चले ठीक है। तो आप स्कूल जाती हो? है तो कौन सी क्लास? और बिजली आती नहीं? कभी एक घंटे नहीं आती। आप शहर में कोई हल है कि बिजली का कैसे हल हो? जुलूस में कल रात को निकाला था। बिजली नहीं? खुश हो? खुश हो? नहीं। अच्छा, चलें। इनके अब अम्मी अबू नहीं है, तो इंशाल्लाह पता है। बुलंद तरीन मकाम है ढक्की का, और ये देखें इस वक्त ये पुराने मकानात हैं, तो जिनके थे तो वो अभी यहाँ पर नहीं रह रहे, क्योंकि मेरे ख्याल में इनके पास अंदर मजदूर है। बहुत काम कर आगे आ रहे। ये गरीबों के मकानात हैं, इनको भी हम तामीर कर सकते हैं। ये देख रहे हैं जगह मौजूद है, ये मजदूर है काम कर, लेकिन इन गरीबों के पास इतनी ताकत नहीं है कि इन मकानों को ये तामीर कर सके। अगर आप जरा तामीर करेंगे तो ये मकानात जो हैं ये तामीर हो सकते हैं। क्या करते हैं? पल्लेदारी। पल्लेदारी करते? कितनी आमदनी है? जी बस 200 का भी कराया, 250 का भी कराया, जितनी लाख का भी। बच्चे कितने? बच्चे मेरे पास 2 बेटी एक बेटी। बिल कितना आता है? बिल बहुत आवा। अच्छा, तो कभी कर्जा भी लेना पड़ता है? कर्जा उधारे ले लेते हैं किसी किसी को। अच्छा, बच्चे ठीक है? ये मकान आपका अपना है? नहीं, चिश्तिया का। चिश्तिया का है, उसमें बैठे हैं। काम उनका करते हैं? हाँ, काम उनका। अच्छा, तो अपना मकान नहीं है? नहीं। अच्छा, अपना मकान। तो दिल करता है कि अपना मकान हो? हाँ, दिल तो करता है, क्या करें। कोई जगह है सोचा? कोई जगह या खरीद लिया? एक मिनट। अच्छा, अगर आप दो मकान बना दे फिर? बना देंगे तो सारी अच्छी बात है भाई। अच्छी बात है। ठीक है, ये अभी नंबर आप दे देंगे तो इंशाल्लाह ताला आप कोशिश करेंगे आपको मकान बना के। तो ये आपका पानी वाला इधर? हाँ, ये देख लो जी सारी चीजें। पानी पाइप है? पानी लगा हुआ? पानी? हाँ, पानी लगा। पानी लगा, पानी बत्ती नहीं आती, पानी बहुत नीचे भर के जाते हैं। नीचे भर के लगे। अच्छा, तुसा का घर केड़ा है? दो बेटे हैं ना ये। अच्छा, चलो जाओ। कोई पैसा नहीं है, बस इसी तरह लोड शेडिंग की वजह से पाकिस्तान की हालत इस तरह की है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े रोड हैं, और गरीब कारी को भी मैंने आपको लक्की पर दिखाया कि जो गरीब लोग हैं उनके पास एक वक्त का खाना भी नहीं है। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि जुलूस निकल रहा है, लोड शेडिंग रूज पर है, और सिर्फ 2 घंटे बिजली आती है। आप यूरोप में एक लंबे के लिए भी बिजली नहीं जाती है। इस वक्त हाल के पास के सामने हजूर नौता का है। और सलाम वालेकुम, गल कर सकते थोड़ा? नहीं, चार कर लो। इस वक्त जो है वो मैं
देख रहे हैं कि ये गरीब बेचारे और इनके यहाँ बिजली नहीं है, कहीं पर जो हुक्मरान उनके ए सी वगैरह चल रहे हैं, और मैं इस्लामाबाद में था एक मिनट के लिए भी वहाँ पर बिजली नहीं गई और सारे वहाँ पर पूछ रहे हैं। ये बाबा फरीदुद्दीन का शहर है लेकिन यहाँ से इसलिए हमारा ये मसला है कि सानू बिजली दिखी जाए, बिजली और पानी, बिजली होगी तो पानी आएगा, जब बिजली नहीं तो पानी कितों देंगे। किलोमीटर जितना आपके पास जो पीरगली रोड है, और जो पीरगली ये सड़क जाती है, और इस रोड के बिल्कुल लगे सड़क जो है ये आप देख रहे हैं, ये आज मदरसा इस्लामिया ये रोड इधर भी लगा हुआ है, और ये एक खातून है, हाफजा है, आलमा है, कारिया है, उन्होंने ये मदरसा कायम किया, जगह अपनी बगदाद के घर को, और आप देख रहे हैं कि मदरसा इस्लामिया बना है बच्चों की दीदी का। ये मदरसा है अच्छा ग्रास से, यहाँ पर आज है और यहाँ पर पुराने पाल यूज कर रही है, और मेरी इनसे बात हुई, इन्होंने बताया कि हालात इनके ठीक नहीं, बड़ी मुश्किल से, ये देखिए ये दूर दराज इलाका है और कहीं इलाका है, और यहाँ पर इन्होंने अपनी मदद आपके तहत, ये आप देख रहे हैं ये मस्जिद भी आप देखिए, ये मस्जिद है लेकिन इसका मेहराब आप देख रहे हैं टूटा हुआ है, और ये साथ मदरसा इस्लामिया और इसके आप दीवारें देख लीजिए, और फिर उसके बाद मदरसा और यहाँ क्लासेस हो रही है, बिल्डिंग आप देख लीजिए। इस बेचारी खातून ने अपनी मदद आपके साथ कुछ लोगों से कहा, चूंकि दीन का काम है अल्लाह ताला ने करवाना है, कुरान मजीद इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इसकी हिफाजत रब्बुल आलमीन फरमा रहा है। अब आप देखिए ये मदरसा इस्लामिया, यहाँ बच्चियाँ आप देखते हैं कि ये कुरान मजीद हिफ्ज़ कर रही हैं, और काफ़ी तादाद है, और गर्मी है क्योंकि यहाँ पर बिजली नहीं है, और काफ़ी तादाद बच्चियों की आप देखिए, ये बड़ी तरतीब के साथ अल्लाह का कुरान इनके सामने है, और इनकी जो उस्तानी है मोहतरम साहिबा ये बच्चियों को कुरान पाक की तालीम से आरास्ता कर रही हैं। गर्मी शदीद है, बिजली नहीं है, तो यहाँ जनरेटर को भी इंतजाम किया जा सकता है, लेकिन बिल्डिंग खस्ता है, देखिए कि इसको दोबारा तामीर भी किया जाए। और ये नन्नी मुन्नी बच्चियाँ सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा तुज़ारा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ें हैं, और उनके मिशन को आगे बढ़ा रही हैं, शर्म हया की पैकर हैं, और ये कुरान मजीद का नूर अपने सीनों में समो रही हैं। तो ये एक क्लासरूम है, और दूसरा साथ ही आप देखिए कि और जो है वो क्लासरूम है में, पहले इन्होंने कमरा बनाया तो बाद में और भी यहाँ पर मट्टी डाली गई। ये एक और क्लास है, नन्ही मुन्नी बच्चियाँ जो है ये कुरान पाक की तालीम जो है वो हासिल कर रही हैं। नीचे देखकर पढ़े आप, ठीक है।
ये आप देखिए कि नीचे मट्टी मट्टी है, गर्द गुबार है और ये साफ है। तो आप पुराने मजीद का नूर, गर्मी शदीद गर्मी, आज टेम्परेचर मुझे बताया जा रहा है कि 45 डिग्री है, तो इतनी शदीद गर्मी में यहाँ पर इनके पास तो पंखा भी नहीं है, उधर एक शायद पर पंखा लगा हुआ है कि आप देखिए इस तरफ जो क्लासरूम है उस पर पंखा लगा हुआ है लेकिन बिजली नहीं है। और ये आप देखिए ये दूसरा क्लासरूम है, नीचे फर्श जो है वो तो क्या होना क्योंकि इनके पास वसायल नहीं है। ये देखिए मट्टी है और ये इस मट्टी में नीचे मट्टी है और सफ़े डालकर जो है वो पुराने मजीद के नूर से अपने पर्व बात से मुनवर कर रहे हैं। इस तरह कुछ और जगह है, यहाँ पर देखिए एक और कमरा पंखा है लेकिन ख्याल में पंखा खराब है, ये एक और कमरा है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो सैयदा पाक की कनीज़ें हैं जो यहाँ पुराने मजीद के नूर से अपने कल्ब व बातिन को मुरव्वर कर रही हैं, इनकी मदद करना है। और मेरा ये जज्बा है और आपका ताउन मुझे चाहिए कि अल मदरसतुल इस्लामिया में हमने इस मदरसे को दोबारा नए सिरे से ताबीर करना है। साथ छोटी सी मस्जिद भी हो और ये कमरे हों, डबल स्टोरी बन सकते हैं। और छत देखिए, छत किस तरह से, ये बांस है, ऊपर वो काने डाले हुए हैं, कोई लंटर नहीं है, दीवारें खस्ता हैं और गर्मी की इस शिद्दत में ये इल्म के नूर से अपने आप को रास्ता कर रही हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस वक्त इनकी जो है टीचर है लिमोसमी में, उनसे मैं बात कर रही हूँ। इस इदारा की अलमदरसतुल इस्लामिया की जो सरबराह है आजिया है आलिमा है, तो ये यहाँ पर आप देखिए कि इन्होंने एक दीन का चिराग रोशन किया हुआ है। तो ये कब कायम हुआ आपका दिन सुना? 7 साल। तो कितनी बच्चियाँ यहाँ इधर करती हैं? 300 बच्चियाँ यहाँ अभी कर चुकी हैं। माशाल्लाह। तो आपने कहाँ से ये तालीम हासिल की? लाहौर। तो अभी कितनी तादाद है यहाँ बच्चियों की? ये कितनी जो बच्चियाँ जमीन रिहाइश पसंद है, घरों से आती हैं, इनके खाने वगैरह के इंतजाम खुद बच्चियाँ पकाती हैं खाना? तो महिला कितना खर्चा आ जाता है? 10,000। और अगर ये सारा मदरसा प्रॉपर हमारे नए सिरे से बनाया जाए तो किसी से आपने नक्शा बनाया या बताया बनाया कि कितना खर्चा, कितने लाख अगर हो गया आपको मदरसा अच्छे बना सकते हैं? जगह कितनी? 10,000। मेरे ख्याल में डबल स्टोरी भी बन सकती है। माशाल्लाह। नाज़रीन की आपने देखा कि यहाँ 250 बच्चियाँ मुकम्मल पुराने पाक हिफ्ज कर चुके, जगह काफी है, 10 मरले जगह है, काफी जगह आगे आप सेल भी देखिए। तो मैं चाहूंगा आइए बाहर चलता हूँ और आपको मजीद दिखाता हूँ कि जगह काफी है और जगह इस खातून ने हाफजा ने कारिया ने खरीदी हुई, अपनी मदद आपके तहत लोगों से जो है वो गुजारिश की और कुछ गरीब लोग हैं, कुछ पैसे वाले, उन्होंने कुछ मदद की, जगह इस खातून ने खरीद ली है। ये देख लीजिए, ये दीवारें देखिए और फिर यहाँ पर ये टूटियाँ हैं, लेकिन पानी का मुझे नहीं पता कि पानी का इंतजाम क्या होगा, पानी इधर नहीं है क्योंकि असल में वही बिजली का मसला है, वाटर ऊपर इन्होंने ये देखिए टैंक रखा हुआ है लेकिन पानी नहीं है। ये आप देखिए बिल्कुल पानी का एक बूंद भी नहीं, पानी की बूंद भी नहीं। तो ये हालत आप देख लीजिए पानी ना होने की वजह से। तो मेरा इरादा ये कि सोलर सिस्टम भी लगवाया जा सकता है, मैंने एक विजिट किया है तो इनको हम सोलर सिस्टम भी प्रोवाइड कर सकते हैं और मैं फिर आपको बताऊंगा कि कितना अगर खर्चा हो। तो ये साथ मस्जिद भी जो है वो आप यहाँ देखिए, ये मस्जिद भी है साथ और खस्ता मस्जिद है, ये मीनार आप देख रहे हैं, तो इस मस्जिद को भी हम साथ तामीर कर सकते हैं और इनको प्रॉपर जो है ये जगह मदरसा तामीर किया जा सकता है। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा अल मदरसतुल इस्लामिया के लिए, अजीम शान इदारा है, पसमांदा इलाके में है, कोई इनका जरिया आमदनी नहीं है, फ्री तालीम बच्चियों को दे रहे हैं, लोगों ने कोई फंड दे दिया तो उससे ये सिलसिला चला रही है। मैं इन खातून को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और इनके जज्बे को मुबारकबाद पेश करता हूँ। है मेरा कोई भाई, मेरी कोई बहन जो इस मदरसे को दोबारा तामीर करे और इसके अखराजात पेश करे और सैयदा पाक की रूह खुश होगी कि ये बच्चियाँ नली मुन्नी जो यहाँ पर अल्लाह के